ओके गाइस, सर्दी ज्यादा है मगर न्यूज बहुत ज्यादा गर्म है। क्या होगा हमारे एसेट का, क्या होगा हमारे कॉइन का? बहुत सारे कमेंट। क्या अपना एसेट कहीं और ट्रांसफर कर लें? कौन सी एक्सचेंज सेफ है? हमारे पोर्टफोलियो का क्या होगा और मार्केट का क्या होगा जो अभी 43,000-44,000 डॉलर के आसपास बीटीसी ट्रेड कर रहा है, क्या वो करेक्शन ले लेगा? बहुत सारे क्वेश्चन, उसका एक ही जवाब। इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिलेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो, आपके फंड का क्या होगा, क्या वो सेफ है कि नहीं है, या कुछ बड़ा होने वाला है, पूरी इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। जी हाँ, लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर में कि जो एक्सचेंजेस जो इनलीगल तरीके से काम कर रही है इंडिया में, मतलब ना उन्होंने टीडीएस पे काम किया है, ना उन्होंने टैक्सेस पे काम किया है, तो ये एक्सचेंज इस समय इंडिया में काम कैसे कर रही हैं, उनका यूआरएल बैन क्यों नहीं किया जा रहा, लोकसभा में सवाल उठाया गया। वहीं इसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट जारी की है। वो लिस्ट क्या है गाइस, इसमें इन्होंने 9 एक्सचेंजेस के नाम दिए हैं जिनको शैडो बैन कर दिया गया। शैडो बैन, सबसे पहले इस शैडो बैन की कंफ्यूजन से निकलते हैं कि शैडो बैन क्या है। शैडो बैन एक टेंपरेरी नोटिस दिया गया है कि आप इन चीजों पर काम कर लीजिए, आप इसको रजिस्टर्ड करवा लीजिए, क्योंकि कुछ एक्सचेंज ऑलरेडी इंडिया में रजिस्टर्ड है। पहले उसका नाम देख लेते हैं, पहले वो लिस्ट देख लेते हैं जो इंडिया में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मतलब उन्होंने अपने आप को सेफ तरीके से काम कर रखा है। वो टीडीएस पे भी काम कर रहे हैं, वो टैक्सेस पे भी काम कर रहे हैं। ये डिटेल आपके सामने है, ये वो डिटेल है, मतलब ये वो एक्सचेंजेस हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिसपे लिखा हुआ है डिटेल ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड विद फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU इंडिया। अब यहां पर ये रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड में अगर हम एक्सचेंजेस के नाम देखें तो ये एक्सचेंजेस के नाम है सीधा क्वाइन डीसीएक्स, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रखा है, यूनिकॉर्न, ऑन रैंप और बिट बीएनएस, ज़ैपपे, वजीर एक्स, क्वाइन सोच, बहुत सारी एक्सचेंजेस आप ये लिस्ट में देख रहे हैं। तो ये लिस्ट ऐसी है जो लिस्ट है, मतलब रजिस्टर्ड है इंडियन गवर्नमेंट से, मतलब ये टैक्सेस पे भी काम कर रहे हैं, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है टीडीएस वगैरह वो सब पे काम कर रहे हैं, मतलब ये अभी फिलहाल सेफ दिख रही हैं हम लोगों को। वहीं अगर बात करें नोटिस किसको दिया है, कि नोटिस किस एक्सचेंजेस को मिला है, तो मैं आपको ये लिस्ट दिखाता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर एक बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस, इसको नोटिस दिया गया है। उसके बाद कुकॉइन को, हॉबी को, क्रैकन को, गेट डोटायो को, बिट्रैक्स और बिटस्टैम्प को, मतलब ये सारी एक्सचेंज है जिनको नोटिस जारी किया, मतलब शैडो बैन किया गया। अब इस एक्सचेंज पे अगर आपका फंड है तो क्या वो सेफ है? जी हाँ, अभी फिलहाल सेफ है, क्योंकि एक तरह का शैडो बैन है और आने वाले टाइम में इस पे बातचीत होगी और कहीं ना कहीं इसको रजिस्टर्ड करवाया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सचेंज है, छोटी मोटी एक्सचेंज नहीं है। बाइनेंस से ही शुरुआत करते हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगी और उसका जो तरीका होगा रजिस्टर्ड करवाने का, वैसे ही नीचे जितनी एक्सचेंजेस हैं वो चलेंगी, फिलहाल सेफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात क्या है कि हम किस एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हैं। अभी फिलहाल जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे फॉलोवर हैं, हम लोग बिटगेट पर ट्रेड कर रहे हैं, और बिटगेट इस लिस्ट से बहुत बाहर है, मतलब इस एक्सचेंज की जो लाइन है ना, इससे बहुत दूर है। यकीनन एक सेफ एक्सचेंज है, हमारा फंड जो है उधर सेफ है, क्योंकि इस लिस्ट में भी नाम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आप बिटगेट पर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत तो नहीं है। इनफैक्ट आप मेरा कॉपी ट्रेडर अकाउंट भी बिटगेट पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप ज्वाइन करेंगे, आपकी ट्रेड चालू हो जाएगी, जब मैं क्लोज करूंगा आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। लिंक मेरे टेलीग्राम पे रहता है, तो अगर आप बिटगेट में है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात होगी गाइस ये पूरी न्यूज की, कौन सी एक्सचेंज शैडो बैन है, कौन सी एक्सचेंज सेफ है और कौन सी एक्सचेंज को नोटिस दे दिया गया है। यकीनन अब इस फंड के कारण मार्केट भी कहीं ना कहीं करेक्शन ले सकती है, क्योंकि गाइस देखिए इतना बड़ा फंड है इंडियन गवर्नमेंट से। एक टाइम पे पहले क्या बात हुई थी, क्रिप्टो बैन इन इंडिया, और ये लाइन इतनी ज्यादा फेमस थी और इस वजह से क्रिप्टो मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गई थी। और ये न्यूज अभी जहां बिटकॉइन अपने ऊपर बिल्कुल, हम बात करें बुल रन की तरफ है, इतनी बड़ी न्यूज कि इंडिया में कुछ यूआरएल बैन हो सकते हैं, कुछ एक्सचेंजेस बैन हो सकती है, तो इस न्यूज से भी कहीं ना कहीं मार्केट में करेक्शन बन सकता है। तो यकीनन आप बिल्कुल ध्यान देना, अगर इन्वेस्टमेंट का सोचो तो थोड़ा रुक के धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करें, और साथ साथ अगर आप ट्रेडर हैं, आप ट्रेड लेते हैं, तो ध्यान देना अपना स्टॉप लॉस का। अगर आप लॉन्ग की तरफ है तो स्टॉप लॉस पे बिल्कुल ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है कि ये फंड कभी भी इतना बड़ा हो जाए, कोई न्यूज लोकसभा से, कुछ इंडियन गवर्नमेंट से इतनी बड़ी न्यूज हो जाए कि मार्केट एक जबरदस्त करेक्शन ले। तो ध्यान देना अपना स्टॉप लॉस का और अपनी इन्वेस्टमेंट का, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है ये। और इस पे पूरी तरह नजर बनाने के लिए आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्या नोटिस आ रहे हैं लोकसभा की तरफ से, सारी चीजों पर नजर बनाने के लिए आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाने देना, ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।